अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हम सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी तो गाइज, आज माशाल्लाह से जुमे का दिन है और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। आज आपका भाई व्लॉग बना रहा है तकरीबन 1 से 1.5 बजे, और आप लोग देख सकते हैं कि सब बर्ड्स को मैंने बाहर खोल दिया था। जैसे ही मैंने इन्हें बाहर खोला तो यार इन्हें भूख बहुत शदीद की लगी हुई थी, काफ़ी ये भूखे थे। तो इनको मैंने सबसे पहले बाजरा डाला, 3 जगह पे मैंने इनको बाजरा डाला, इधर भी डाल दिया, उधर भी डाल दिया, और इधर भी मैंने इन्हें बाजरा डाल दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यार हमारी जो उनसी डक्स है ना, ये बहुत परेशान है और इन्हें भूख बहुत लग रही है। पता नहीं ये क्या चीज़ शौक से खाते हैं, लेकिन हम इन्हें बाजरा डाल रहे हैं और जो हमारे रैबिट्स हैं वो भी बाजरा बड़े शौक से खा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उधर उनकी लड़ाई जा रही है बर्ड्स की, मुर्गियों की। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यार इधर मैंने पानी रखा है डक्स के लिए कि इसमें वो नहाएं और पानी शानी पी सकती हैं। दूसरा ये जो उनसा है पानी रखा है मुर्गियों वगैरह के लिए, हमारी देसी बर्ड्स के लिए। और लास्ट वाले जो केज में हमारे असील चूज़े अभी एज इट इज़ उधर पड़े हैं। तो यार आज ना, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी था, और वो सरप्राइज़ मैं आपको बताता चलता हूँ कि क्या होगा। आप लोग पहले सोचें कि क्या हो सकता है, तो फिर आप लोग ना गैस करें कि सरप्राइज़ हमारा क्या हो सकता है, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भाई क्या सरप्राइज़ है। माशाल्लाह से इनके पर थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं और अब दोबारा इनके पर काटने वाले हो गए हैं, और ये हमारा लक्का पेड़ है। तो यार आज का जो हमारा सरप्राइज़ है ना, वो हमारा कुछ इस केज में ही है और इनसे रिलेटेड है। ओए आजा 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 भाई राजा, भाई राजा आजा भाई, भाई राजा, भाई राजा। तो यार उधर वो फंसने वाला था, तो मैंने कहा चलो इससे पहले कि ये फंसे तो थोड़ा सा खुद ही पीछे हट जाते हैं। और जो हमारी ये जो उनसी मुर्गी है ना, ये इनका बाजरा खाने के लिए आ रही है, उसको मैंने भगा दिया है। तो यार आज का जो उनसा हमारा सरप्राइज़ है वो ये है कि माशाल्लाह से हमारे जो उनसा लक्का पेयर है, इसने फिर से अंडे दे दिए हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और कितने प्यारे अंडे लग रहे हैं। ये देखें, एक दो दो अंडे फिर से दे दिए। जो इनका जो उनसा बेबी था यार, वो बीमार हो गया था और उसके पूरे बॉडी के ऊपर दाने वगैरह निकल आए थे, जिसकी वजह से वो मर गया था, और माशाल्लाह से अब फिर से इन्होंने 2 अंडे दे दिए। तो यार और दूसरा देखो, माशाल्लाह से हमारा ये जो उनसा वो जो ब्लैक एंड वाइट जो उनसे दूसरे पेयर है ना बर्ड्स का, ये उनका बच्चा है, और माशाल्लाह से ये भी थोड़ा सा हेल्दी हो गया, बड़ा हो गया। इधर आया भाई, कहीं मारना खा ले तो उनसे। तो लिहाजा ये मुर्गी देखो जी, मुर्गी फिर से अंदर आ गई है, और अब इसको मैंने बाहर निकाला है। चलो भाई बाहर चलो, बाहर चलो। तो अब ना मैं ब्लैक जो उनसे पिजन पेयर है इनको बंद कर देता हूँ, ताकि यार ये मुर्गियाँ वगैरह ना इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इनको बंद कर देते हैं। असल में इन्होंने अंडे दिए हुए हैं, इस वजह से मैं जाने नहीं दे रहा मुर्गियों के इनके पास। देखो ये फिर बाहर घूम रही है। तो यार माशाल्लाह से ये हमारा जो उनसा देसी मुर्गा है, काफ़ी बड़ा हो गया माशाल्लाह से, पर यार इन्होंने अभी तक अंडे देना स्टार्ट नहीं किए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सर्दी जाएगी और इन्होंने अंडे देना स्टार्ट कर देने हैं। हमारे रैबिट्स भी काफ़ी घुल मिल गए हैं मुर्गियों के साथ, और हमारी डक्स भी काफ़ी घुल मिल गई हैं, अच्छी इनमें बॉन्डिंग हो गई है और ये मज़े से एक साथ फिरते हैं। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।